यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और अवतार लेता हूं। सभी को मेरा नमस्ते। आज है मंडे और दिन है मंडे मोटिवेशन का, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया में बहुत सी धार्मिक किताबें हैं जो हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देती है, लेकिन भागवत गीता हिंदुओं का पावन ग्रंथ एक ऐसी किताब है जो न केवल हमें धार्मिक मार्ग पर पढ़ने के लिए शिक्षा देती है, बल्कि हमें अपने शरीर, मन और हमारी बुद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए भी शिक्षा देती है। भागवत गीता से हमें वह शिक्षा मिलती है जहां हम अन्याय के विरुद्ध खुद लड़ सकते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था और महाभारत में ही भागवत गीता का वर्णन है। भागवत गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी भागवत गीता में लिखे गए कुछ उपदेश। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं का पूजन करें।
कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। भागवत गीता के उपदेशों को न केवल पढ़िए बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे अपने जीवन में अवश्य लगाइए ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। मेरे वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले सोमवार, तब तक के लिए धन्यवाद।